Hey guys, welcome to our channel Cinema Music Space. And now we are going to react on the upcoming Bollywood film Love Hostel, starring Bobby Deol, Vikrant Messi, and Sanya Malhotra. So let's start the trailer reaction of Love Hostel. ट्रेलर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये ट्रेलर रिएक्शन। अब पा लिया तुझे, बाकी सब बेईमानी। तुम्हें इधर की उधर हो जाए बिल्डो, तेरे साथ बेईमानी कभी नहीं करूंगा। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन? ज्योति कहां से? फिलहाल आपको एक हफ्ते के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेफ होम ग्रांट करता हूँ। हमारा ताजमहल भूत बंगला था, ताजमहल दिखे गद्दे साफ तो होंगे ना? अब थोड़ी बहुत महक तो प्यार छोड़े है। जिन लोगों को ज्योति के ब्याह के कार्ड बांट रखे हैं, उन्हें क्या कहोगा? ब्याह कैंसिल? कोई कुछ नहीं बदलेगा हमारे यहाँ के बिना, दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। जगह जगह सेफ होम के कोठे खुलवा के भगोड़ों को हौसला भी तन्नी दिया से। कोठे खुलवाए हैं तो उसकी चाबी भी तुम्हारे धोरे से। एक दिन माँ यशोदा ने श्री किशन जी को माटी खाते पकड़ा तो किशन जी साफ मुकर गए। माँ यशोदा ने बोला, छुट्टे मुंह खोल। जैसे किशन जी ने मुंह खोला, यशोदा ने क्या देखा? ब्रह्मांड। ज्योति मुझे जिंदा वापस चाहिए, अपने हाथों से काटूंगी। तो दो नाम लिख, ज्योति और आशु, ये दो नाम मिले तो पता कर कौन से सेफों में बेचा है। चप्पल पहन दी, ऊपर पड़ी है, जा ले। डंगर साहब बारी हो पता, स्माइल कर, तेरी बहू ने व्हाट्सएप कर दूंगा। अरे अपना फैसला बदल दे और डाकघर ने मारे हवाले कर दे। बराबरी होती ना बिल्लो तो 200 की बरात लेके आता तेरी चौकट पे। क्यों करा डाकर को डबल क्रॉस? बाहर निकल। जब जब तन ने अपना सबक तोड़ा तब तब मारा संसार टूटा। दिस लुक्स टोटली वायलेंट, ब्लडी एंड बट दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। आई मीन मतलब बहुत अच्छा थ्रिलर बन, मतलब दिख रहा मुझे अच्छा थ्रिलर है इसके अंदर। अभी मतलब मुझे नहीं लगता कितना मतलब कैसे लिया जाएगा इसको किस तरीके से, लेकिन टॉपिक अच्छा लिया है उन्होंने, मतलब जो बहुत ट्रू फैक्ट है ये। हाँ मतलब क्योंकि हम लोगों ने एक दर्जन लाइक ना कि तुमने या मैंने नहीं देखा तो ये सच्चाई है। एब्सोल्युटली, और ये अभी भी होता है ये। हाँ, अभी भी कई गांव में होता है ऐसा, और उसके खिलाफ कोई उंगली नहीं खड़ा करता, कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता होता नहीं है। ऐसी पावर में वही है ना, पावर में वही। इस वाली मूवी में भी तो, इसमें भी तो यही, ट्रेलर में भी तो यही है ना कि शी इज द मेन, जो पावर में है वो। पावर में अगर मैं, मेरे को पता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें है लाइक। और ओ माय गॉड, इसमें एक चीज में मुझे मतलब दिस इज बाकी मूवीज से जो अलग इसको बनाती है वो ये है कि इसमें जो तरीके से विलन बोल दो या फिर जो मार रहे हैं वो बोल दो, मतलब मुझे लगता है कि वो उसका कॉन्शियस वाला कोई सीन नहीं है। अरे बिल्कुल, जिस तरह से वो इवन यू नो वो उंगली तक या उसकी पलके तक नहीं उठ रही है अगर कोई बंदा मर रहा है या चीख रहा है वाला टाइप का, तो ये सच थॉट भी नहीं आ रहा मारने से पहले। ही इज लाइक, ओह माय गॉड, दैट सीन जिसमें गाड़ी से वो उसको लटका रहा है किसी बंदे को। या सो दिस इज व्हाट दे डू हु ट्राई टू एलोप और डू लव मैरिज, हु वांट टू डू लव मैरिज, सो दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन दे गेट कॉट। उनको जान गेट कॉट वो कर, होता ही होता है, दैट्स लाइक द फैक्ट। तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें क्योंकि कितना दूर भागेंगे। एब्सोल्युटली, कितना ही दूर भागेंगे। यहाँ पे भी तो वो सेफ हाउस में है ना। अब सेफ हाउस में ये सिचुएशन हो रही है तुम्हारे साथ, तो फिर कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बट बॉबी देओल इज लाइक, ही इज रीडिफाइनिंग हिज ओन करियर। आई मीन This is the Bobby Deol like, I think, जो कि आज के जनरेशन को चाहिए। ये बिल्कुल अलग है, ये 90s का Bobby Deol और ये Bobby Deol में बहुत डिफरेंस है। हाँ, मतलब इनको देख के मुझे कभी सोचा नहीं था कि he will play a villain like this।
He's going to हमेशा हीरो पे लेके आना हमें. हाँ मतलब आई कैन अज्यूम दैट यू नो की सीरियस रोल में बॉबी देओल अच्छा कर लेते हैं बिकॉज देर आर सम मूवीज जिसमें इनका है थोड़ा सा ऐसा दिखाया कि यू नो थोड़ा सा घुमा हुआ है फिर किलर विलर टाइप का. बट इस वाली मूवी में एक तो अभी एज के हिसाब से जिस एज में वो है जिस हिसाब का लुक उन्होंने किया हुआ है ही इज लुकिंग सो यू नो ऐसे वाला इंसान जिसको कोई मतलब नहीं है लाइक ही इज लाइक कि मेरा काम हो जाएगा. बट एट दिस मुझे लग रहा है कि देर इज अ बैक स्टोरी टू हिम ऑल्सो. हाँ फॉर हिम ऑल्सो क्योंकि लास्ट में जब उनका जो डायलॉग आया उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ओके देर इज समथिंग जो कि उनके साथ भी हुआ है. एंड विक्रांत मेसी इज ऑलवेज ऑसम. एक तो अलग लुक दिया है विक्रांत मेसी को. विक्रांत मेसी हर बार ना ये रियल रोल में जो छोटे विशाल जो लड़के होते हैं जो छोटे शहर के छोटे गांव के इतना अच्छा प्ले करते हैं ना विक्रांत मेसी उसको बिकॉज समवेयर ही इज यू नो ही हैज बीन देयर या देखी है चीजें तो मेरे को लगता है कि वो उठाना वहां से इजी आता होगा उनके लिए भी कि अच्छा ठीक है हाँ इस साइड पर मैं इंसान से मैं मिलाऊंगा. इसमें भी ही इज लुकिंग वेरी ही इज लुकिंग ऐसा तो ऑब्वियसली बात है देयर इज अ टच ऑफ विक्रांत मेसी जो उनका ऑब्वियसली बात है होगा ही होगा. बट उसी के साथ टॉपिक तो रियल उठाया रियल उठाने के साथ उसको इंटरेस्टिंग बनाया गया थ्रिलर की तरह से दिखाया गया कि मतलब आपको जो रियल बात है वो भी दिखा रहे हैं द सेम टाइम आपको थ्रिल भी दे रहे हैं कि आप ना बुक कोट अप रहो पूरी फिल्म में. और जितने खून मुझे इसमें ट्रेलर में दिख गए हैं होते तो मतलब हाँ हाँ तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म बहुत वायलेंट होने वाली है. इट्स अ वायलेंट फिल्म मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पीपल डोंट लाइक वायलेंट मूवी लाइक पीपल डोंट लाइक वायलेंट मूवी दैट मच. या लेट्स सी बट दिस लुक्स ग्रेट दिस लुक्स ग्रेट. सो दिस वॉज द ट्विटर रिएक्शन ऑफ लव हॉस्टल. तो आज के लिए बस इतना ही. आपको ट्रेलर कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा और आपको ये ट्रेलर कितना पसंद आया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तब तक के हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए. बाय बाय टेक केयर.